boom, clap, boom, de clap, de clap, boom, boom. Hola and assalamu alaikum, everybody. You're watching Girls Republic only on ARY Music. We are going live right now. Call construction numbers up on the screens. कोई भी आपको फीडबैक देना दे सकते हैं facebook.com/vijaynal पे जाके. ओह माय गॉड, माय फोन वाज अबाउट टू, ओह माय गॉड, मेरे हाथ से एकदम से मेरा फोन ऐसे स्लाइड डाउन होने लग गया था. बट एनीवेज, अभी मेरा फोन गिर जाता मेरा फोन शहीद हो जाता. खैर शहीद तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एकदम से मेरे हाथ से फोन मैंने कभी स्लाइड डाउन किया. बट एनीवेज, आज जो है, आज का जो शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. हमें कॉल कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं. सो आज हम बेसिकली जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सिंस लाइव फीडबैक मैं थोड़े दिनों से नहीं पढ़ पा रही, तो आज मैं फाइनली आप लोग का लाइव फीडबैक पढ़ सकती हूँ, सिंस वी आर गोइंग लाइव राइट नाउ. उसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बताती चलती हूँ कि बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या. हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो आप देखते हैं आपको अच्छी लगती है, आपको बुरी लगती है. जैसे बहुत सारे लोगों की क्वालिटी होती है कि बहुत सारे लोग बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत खट से फौरन हर चीज़ उनके ज़बान पे होती है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सफिस्टिकेटेड से होते हैं, उनको यू नो ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, बात कम करते हैं, पोलाइट होते हैं. काफ़ी सारे लोगों में अच्छी क्वालिटी होती है. तो हर इंसान डिफरेंट लोगों को पसंद करता है. जैसे मुझे बहुत आउटस्पोकन लोग पसंद हैं, मुझे बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले लोग पसंद हैं, मुझे खामोश सफिस्टिकेटेड लोग पसंद हैं. लेकिन डिपेंड्स के अच्छा ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो अगर उसकी एज 40 या 50 है और अगर वो 18-19 का बनने की कोशिश कर रहा है, बनने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर वो चीज़ आपको इतनी अच्छी नहीं लगती. लेकिन अगर कोई लड़की 18-19 साल की है या अपनी एज के लिहाज से ही उस तरह बात कर रही है तो इट लुक्स गुड. लेकिन अगर आप कोई ऐसी एज की लड़की से मिल लें जो 14 या 15 ईयर्स की हो और वो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही हो ऐसे कोई यू नो लाइक अ वुमन ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड या जो भी एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो ज़्यादा चीज़ आपको ऑकवर्ड लगने लग जाती है. लेकिन बेसिकली मैं पूछना चाहूँगी आज कि ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी आपके किसी भी दोस्त में जो उसकी क्वालिटी आप लेना चाहेंगे और उसको वो क्वालिटी आप देना चाहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई दोस्त है, मेरी दोस्त बहुत खामोश रहती है, ज़्यादा नहीं बोलती, तो एक क्वालिटी मैं क्या करूँगी, किसी जो खामोशी है वो मैं निकाल कर फेंक दूँगी और जो ज़्यादा बोलने वाली क्वालिटी है वो मुझको दे दूँगी. तो आप अपने दोस्तों में से कौन सी क्वालिटी है एक जो आप एलिमिनेट करेंगे और कौन सी क्वालिटी होगी जो आप उसकी पर्सनैलिटी में एडिशन कर देंगे उस क्वालिटी का. तो वो कुछ भी हो सकती है, वो नेचर में कुछ भी हो सकता है. अगर वो सीक्रेट कीपर नहीं है, अगर उसका पेट हल्का है, वो चीज़ें नहीं रख पाती, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो कि फॉरन सीक्रेट्स बोल देते हैं और कहते भी हैं कि यार हमारे सामने कुछ मत बोलो क्योंकि हम जो हम पेट के बड़े हल्के हैं और हम फ़ौरन से हर चीज़ बता देते हैं. तो वो खुद भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे होते हैं. तो आप क्या करेंगे, आप उनकी क्वालिटी ले लेंगे उनसे और उनको अच्छा सीक्रेट कीपर बना देंगे. तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में आज हम बात करें कि कौन सी चीज़ें हैं किसी की पर्सनैलिटी में जो आप कहते हैं कि यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ये चीज़ अच्छी नहीं होती है. जैसे काफ़ी सारे जितने भी लोग होते हैं उनकी आदत होती है ना दूसरे को स्टॉक करने की देखने की कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम ज़रा पता लगाएं. और पता है देर आर पीपल हु गेट जेलस ऑफ यू फॉर नो रीज़न. तो ये चीज़ मैंने आज पता है, वैसे मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ काफ़ी कम है कि काफ़ी सारे लोग अपनी चीज़ें नहीं बताते किसी को, लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी बढ़ गई है दैट पीपल डोंट टेल देयर स्टफ टू एवरीवन और एनीवन. चलिए जी जल्दी से कॉल ले लेते हैं किरण की. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम जी. किरण क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ. किरण क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, आपका शो देख रही थी. अच्छा, टीवी का वॉल्यूम इतना ऊंचा करके शो देख रही थी? नहीं तो. हाँ तो यार मुझे पूरी टीवी के वॉल्यूम के पीछे आवाज आ रही है. अब मैंने कम कर लिया. अच्छा किरण मुझे बताओ, ऐसी कौन सी आपकी दोस्त होगी जिसमें से कोई एक चीज आप उससे ले लोगी और एक क्वालिटी आप उसको दे दोगी, वो कौन सी क्वालिटी होगी जो आपसे लोगी उसको दोगी? मैं उसको मेरी जरा किरण को समझ नहीं आया जवाब. बट एनीवेज आप लोग मैसेजेस पढ़ लेते हैं. बहलू ले लिखते हैं, हिना यू डूइंग अ वेरी नाइस शो. मोना लिखती है, हेलो हिना यू लुकिंग सो नाइस. मेरी तरफ से बड़ा वाला सलाम. और मेरी तरफ से बड़ा वाला वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी,
अच्छा एक और चीज हुई है कि आज हम जो कि एक तो चीज बात कर रहे हैं कि आप कौन सी एक चीज होगी जो आप दे देना, एक कौन सी क्वालिटी होगी जो आप अपने दोस्तों में देंगे और एक क्वालिटी जो आप दोस्तों से ले लेंगे, एक ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो आप खुद भी अपने अंदर से खत्म करना चाहेंगे, बोलेंगे यार इसे मैं खत्म ही करूँ वो बेहतर है। तो ये काफी सारी और चीजें हो जाती हैं, फिर काफी सारे लोग होते हैं जो लड़ नहीं पाते, बहुत जल्दी डरे आते हैं, तो आप उनकी क्वालिटी आप उनसे ले लें और उनको जो आप बदले में चीज दें वो आप उनको ये दें कि वो बड़े ब्रेव हो जाएं। अच्छा वैसे एक और चीज़ वो ये कि आजकल बड़ा हमारे टीवी पर जो चीज़ें चल रही हैं भाई पाकिस्तान एंड चाइना की फ्रेंडशिप एंड स्टफ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यू नो काफ़ी वक्त बाद यू नो देयर इज समवन कमिंग एंड देयर इज सो मच लव इन एयर, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा देखे कुछ। मुझे एक चीज़ याद है कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम करवाया गया था बाकायदा पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, और इसमें मैंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था एंड बेसिकली दैट वाज अ पोस्टर कंपटीशन, और पोस्टर कंपटीशन में चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे एंड चाइना में बंडल्स एंड बंडल्स जो है वो पोस्टर्स आए थे जो बच्चों ने बना के भेजे थे। तो पोस्टर की थीम थी बेसिकली पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप, तो हमें अपनी पोस्टर में हम इस पूरे चार्ट में दिखाना था कि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप हम कैसे दिखाएंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, मैंने एक जगह दिखाई थी कि पाकिस्तान और चाइना के लोग एक साथ खड़े हुए हैं, मैंने एक जगह दिखाई थी कि चाइना के जो ड्रैगन्स चल रहे होते हैं फेस्टिवल में वो मैंने दिखाए थे, एक जगह मैंने जो है वो चाइना का झंडा दिखाया था, एक जगह मैंने पाकिस्तान का झंडा दिखाया था। तो वो हमारे स्कूल से सारे बच्चों ने पोस्टर्स भेजे थे, हर कैंपस के बच्चे ने वो पोस्टर्स भेजे थे, और उस जब पोस्टर्स गए तो हमारी सिलेक्शन होके आई थी सारे पोस्टर्स की। आई रिमेम्बर कि आई वॉज वन ऑफ दोज किड्स जिनका पोस्टर सेलेक्ट किया गया था, और हमें बकायदा अवार्ड्स मिले थे जो चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन करवाई गई थी और बच्चों को अवार्ड्स दिए गए थे। एंड मुझे याद है जब हम गए थे खाना खाने के लिए तो चाइना के इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं अब ऐसा होता या नहीं होता, लेकिन ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन कंट्रीज एंड स्पेशली, चलो आई डोंट सी एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, बट देर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स, तो वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम जा रहे हैं एक सॉन्ग ब्रेक की तरह, कहीं मचाइए, देखते रहिए गर्ल्स रिपब्लिक। बड़ी देर हो गई यार, मित्र बातें आते हैं। अच्छा जी, तो वेलकम बैक, यू वॉचिंग गर्ल्स रिपब्लिक ओनली ऑन एआरवाई म्यूजिक। अच्छा एक बड़ी छोटी सी चीज़ है और बड़ी फनी सी एक चीज़ है, वो ये कि चले मैं तो शेयर करती हूँ अपनी चीज़ें से मोटिवेट करने के लिए लड़कियों को। मैं बड़ी परेशान हूँ यार, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि एक तो सबसे पहले कि कुछ अजीब सा घूम रहा है मेरे आसपास, और दूसरी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ठीक है इफ़ यू आर गोइंग टू जिम दैट इज़ अमेजिंग, आप जाइए जिम, अपना ख्याल रखिए, अपनी फिजिक का ख्याल रखिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता यार कि जिम जाके सारी लड़के छिक 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 सेल्फी क्यों ली रही होती हैं, मतलब क्यों ली रही होती हैं, मतलब जिम जाके अपनी फिजिक अच्छी करें, फिजिक का जो वो रिजल्ट होता है ना कि यार बिफोर एंड देन आफ्टर देन यू कैन टेक दैट पिक्चर एंड देन यू कैन शो एंड देन यू कैन टेल दैट यू नो मैं जिम गई थी और मैंने अपने आप को ऐसे किया, फिजिकली फिट किया, सारी चीज़ें। लड़कियां अपनी सारी जिम की पिक्चर्स ले लेती हैं और खूब सारा ब्लश लगा हुआ है, खूब अच्छे अच्छे बाल बने हुए, लेंस लगा हुए हैं, अल्लाह मियाँ अल्लाह इतनी गर्मी है यार, इतना मेकअप इतनी गर्मी में, जल्दी से कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं रिदा बात कर रही हूँ। रिदा आप कहाँ से कॉल कर रही है? लाहौर से, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कॉल की थी। अच्छा रिदा, लाहौर की गर्मी तो बढ़ गई है बहुत ज्यादा। नहीं रिदा नहीं, फिजा। फिजा फिजा मैं कह रही हूँ कि लाहौर की गर्मी बहुत बढ़ गई है। जी कितनी? हद से ज्यादा बहुत गर्मी लगती है। फिजा अपने आपको अब टीवी में सुनेंगी तो आप मुझे बहुत लेट रिप्लाई करेंगी। या आई नो। अच्छा फिजा मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी आपकी किसी दोस्त की जो वो क्वालिटी उसको देना चाहोगी और एक क्वालिटी लेना चाहोगी? वेल बुरी क्वालिटी तो मैं एक्सचेंज नहीं करना चाहूंगी, बट अच्छी क्वालिटी उसे दूंगी और उससे भी अच्छी दूंगी ताकि हम दोनों अच्छे रहें, बुरे ना बने। आपकी कोई ऐसी दोस्त है जिसकी जिसकी कोई क्वालिटी देके आप चिड़े आती हो, आप कहती हो क्या है यार? नहीं इस टाइम तो किसी से इतना जेलस नहीं होती, ये अच्छी बात भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। अच्छा फिजा मुझे ये बताओ कि अभी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, फेसबुक पे आप न्यूज़ फीड देखती हो, चीजें होती हैं,
मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी हो जिसमें लड़कियां जिम गई हुई हो, लड़की ने खूब सारा मेकअप किया हुआ, सेल्फी सेल्फीज ली हुई हो? जी तंग नहीं आ जाती तुम्हें? क्या लगता है जिम जाके पिक्चर्स लेनी चाहिए, जिम जिम जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए? Well, मैसेज पे तो ठीक है, लेकिन मैसेज पे ये होता है कि अगर वो चाहे कि कोई और देखे ना उनकी पिक्चर्स माय फ्रेंड्स के, और वैसे भी कजन को कभी कभी फोन ले लेते हैं, अगर वो देख ले तो कभी अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरे ख्याल से फेसबुक पे सेंड करना ही बेहतर है। सही है। अच्छा फिजा की बात मुझे बहुत कम समझ में आई है, लेकिन ठीक है। फिजा मुझे ये बताओ कि अभी आपकी सारी स्टडीज कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं, टफ जा रही हैं? बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आई थिंक साइंस में मुझे बहुत टेंशन है कि मेरी साइंस की पूरी बुक आ रही है, पूरे 20 चैप्टर्स। चलो सही है, ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। सही है, अल्लाह हाफिज। तो जी ये थी फिजा, और फिजा से हमने खूब सारी बातें की, फिजा से और भी बहुत सारी बातें करेंगे, कि फिजा मेरी दफा कॉल कर लेंगी। अच्छा जी, उमैमा लिखती हैं दैट यू आर लुकिंग ऑसम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। अक्सा अनवर का जो है मैसेज आया, हेलो हिना, लुकिंग ऑसम, डू यू हैव रियल अकाउंट ऑन फेसबुक, ऑन व्हिच नेटवर्किंग साइट यू आर अवेलेबल? आई एम ऑन फेसबुक, आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन ट्विटर, तो मैं तो सोशल मीडिया फ्रीक हूँ आई थिंक। अच्छा जी, इसके अलावा अक्सर लिखती है, हेलो हिना, आई वांट टू मीट यू, आई एम योर बिग फैन, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई मीट यू, यू कैन ऑलवेज कम टू ARY ऑफिस, आई एम ऑलवेज हेयर, 3 to 5 तक आई एम हेयर, सो यू कैन ऑलवेज कम। सना लिखती है, हेलो हिना, आप यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल, थैंक यू। एंड अली इमरान लिखते हैं, हेलो हिना, हाउ आर यू, आई एम परफेक्टली फाइन। अली आप सुनाइए कि आप कैसे हैं। रामी लिखती है, यू आर ऑसम। शानी खान लिखते हैं, यू लुकिंग सो नाइस। रिजवान लिखते हैं कि बहुत अच्छा शो जा रहा है। रामीन लिखती हैं कि हिना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ वीजे, प्लीज प्रे फॉर मी, और अगर बन गई तो आपको ही कॉपी करूंगी। मुझे कॉपी करूंगी रामीन, क्यों यार, मतलब मुझे क्यों कॉपी करोगी यार, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं कि कॉपी किया जाए। मेरी उर्दू अजीब सी हो गई आजकल। अच्छा जी, शुमायरा लिखती है ना, आप बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, जब भी ARY म्यूजिक का कहीं भी प्रोग्राम होता है लाइक एट्रियम मॉल में एक्सेट्रा, मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मैं आ नहीं पाती, आप बताएं मैं कैसे मिलूं आपसे, आई एम योर लिटिल फैन, प्लीज थोड़ा फैन से ख्याल कर लिया करें, बट इंशाल्लाह वन डे आई विल मीट यू। अच्छा शुमायरा, एक छोटा सा फेवर जो मैंने सारे फैंस को दे सकती हुई है, दैट यू कैन ऑलवेज कम टू ARY एंड मीट मी, आई एम ऑलवेज हेयर यार, तुम लोग आ जाएगा तो खटखटाओ ARY के दरवाजे, दरवाजे खोल देंगे तुम लोगों के लिए। जल्दी से कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हनन। हनन क्या हाल है? अच्छी है। अच्छी अच्छी तो तुम हो, वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने आवाज से पहचान लिया। हनन नाम का मतलब क्या होता है? पता नहीं। नाम का मतलब नहीं पता? नहीं। क्यों? बस क्या पता। अच्छा हनन मुझे बताओ कि आपकी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसकी ये क्वालिटी आपको नहीं पसंद? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा वैसे एक मेरे बड़े अच्छे से टीम मेंबर है जो मेरे बिल्कुल सीधा पे खड़े हुए, इनका नाम क्या है सलमान भी, जरा मुझे नाम तो बताइए। अच्छा मुजम्मिल है इनका नाम, और मुजम्मिल जो है ये एक ऐसे हमारे टीम के मेंबर हैं जिनका अगर आप स्टाइल देख लेंगे तो ये किसी हीरो से कम नहीं लगते, और अक्सर जो है ये जो इनकी बात करने का स्टाइल है वो बड़ा हीरो हीरो टाइप हो रहा होता है, और इस वक्त जो वो मुझे कैमरे के पीछे से डरा रहे हैं कि वो मेरी चाय और पानी को मिला देंगे, तो ऐसा होने से नहीं रहा, वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगी डायरेक्टर से। अच्छा जी, एनीवेज ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये शेयर करना बड़ी ज़रूरी होती है, हम वो कैमरामैन के बताएं, शेरा भाई तो हमारे हैं टीम मेंबर, सलमान है, शफीक भाई जो छुट्टियों पे हमारे गए, हमारे डायरेक्टर हैं काम ही, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारी हमारे व्यूवर्स को हमारी टीम का भी पता हो, सिर्फ ये पता ना हो कि भाई मैं आती हूँ शो करती हूँ चली जाती हूँ, तो टीम का पता होना बड़ा ज़रूरी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब जब हमने कॉल्स हम लेते हैं और कभी कभार हम कॉल्स इतनी ज़्यादा नहीं ले पा रहे, तो मेरे ट्विटर पे सब कह रहे होते हैं कि हमें तो लगता है कि डायरेक्टर साहब का हमसे दुश्मनी हुई, हमारी कॉल्स नहीं ले पाते, लेकिन कभी कभार कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम इतनी सारी कॉल्स नहीं ले पाते, क्योंकि मुझे भी जाहिर सी बात है बात करनी होती है, और अगर मैं बात नहीं करूँगी तो टॉपिक मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं एक सॉन्ग ब्रेक की तरफ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्वालिटी, ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो आप अपनी दोस्त से एक एलिमिनेट करना चाहेंगे और एक उसको क्वालिटी देना चाहेंगे।
हम जाने जल्दी सॉन्ग ब्रेक की तरफ, अपनी पानी और चाय पी लूं और आप लोग जाके सॉन्ग एंजॉय कीजिए. सो यस, वाई वेलो ओनली लिव वन. Welcome back. You're watching Girls Republic only on ARY Music. अच्छा जी, आज हमारे सेट पे कुछ बिस्किट्स आए, वो वेजी फ्लेवर के बिस्किट्स हैं, तो मुझे जरा अजीब से लगे तो मैंने खाए नहीं, बट एनीवेज लेकिन मैंने अपना चाय और पानी मैंने पी लिया है. आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सर आप लोग क्या खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, ठंडा ठंडा पानी पीने चाहिए. ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, जहां तक मुझे पता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. हमें नॉर्मल टेम्परेचर पानी पीना चाहिए है. तो लेकिन पानी की बातों के साथ जल्दी से कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया जाए. कर दिया. कौन बात कर रही हो, कहाँ से? मरियम बात कर रही हूँ, लाहौर से. मुजना मरियम. मरियम बात कर रही है लाहौर से. मरियम, क्या कैसी जिंदगी जारी है, क्या हो रहा है, क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं, लिखती हैं? नहीं, मैं मदर हूँ. मेरी बेटी है 4 साल की, उसका नाम जन्नत है, और उसने भी आपसे बात करनी है. उसका बहुत शौक है. हम इस टाइम ना देख रहे होते हैं आपका शो, फिर उससे पहले ये सो रही होती है स्कूल से आके, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा देख के तो हम स्टडी शुरू कर लेते हैं. तो इस टाइम हम शेक पी रहे थे और देख रहे थे, तो वो कह रही थी मम्मा मैं तो ये वाला गाना सुनाऊंगी, ये वाला गाना सुनाऊंगी. तो जन्नत सर टीवी, जन्नत सर टीवी देख रही है? हाँ जी जन्नत इस टाइम टीवी देख रही है. ठीक है, कैसी हैं आप जन्नत? ठीक है. आई होप के आप इधर आओ. जन्नत जी बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जन्नत कैसी हैं आप? ठीक हूं. क्या हो रहा है, शेक पी रही थी? हाँ जी. कौन सा शेक? मैं जन्नत मुझे क्या कह रही थी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जन्नत आप मुझे बताओ मम्मा के साथ शो देख रही थी? मजा आ रहा है शो देखने में? हेलो. अरे जन्नत जो है बड़ी एक्साइटेड हो गई है. अच्छा मुझे बताइए, जंपिंग करना शुरू हो गई है एक्साइटेड होकर. अच्छा जन्नत अभी कौन सी क्लास से पढ़ रही है? जन्नत अभी नर्सरी जूनियर में है. अभी वो नर्सरी जूनियर की बच्ची मेरा शो देखती है? हाँ जी, आजकल के बच्चे बड़े फास्ट हैं यार, समझ में आ जाता है सब कुछ. हाँ आ जाता है उसको तो, वो माशाल्लाह बड़ी फास्ट है. जबरदस्त जबरदस्त. मुझे जब आपने मुझे कहा ना 4 साल की, 4 साल में तो बड़ा अच्छा बोल रही है यार. हाँ जी वो बड़ा अच्छा बोलती है. उसका मैं आपको बताती हूँ, सिपारा पढ़ने गई ना जी. तो उसको ना किसी ने सबक पढ़ा दिया बा के नीचे एक नुक्ता. हाँ. तो मैंने कहा ये इसका तलफ़ुज़ बिल्कुल साफ है, आप उस बच्चे से कह दिया करें इसको सबक याद करवाए जिसका तलफ़ुज़ साफ हो, क्योंकि इसका साफ है. मैंने कहा वो नुक्ते को नुक्ता ही कहती है, नुक्ता नहीं कहती. नाइस. आपकी जो बेटी is she the only child, आपकी पहली बेटी है ये? हाँ जी मेरी पहली बेटी है, और भी मुझे इससे बहुत प्यार है. हाय, तो आई एम श्योर ये बड़ी जीनियस है और खूबसूरत भी है माशाल्लाह. मतलब ब्यूटी कहते ना, ब्यूटी विद ब्रेन वाला जो पैकेज होता है वो जन्नत में पैकेज है. हाँ जी, और आपको एक और बात बतानी थी, इसको बुलबुले में आने का इतना शौक है, इसको बुलबुले इतना पसंद है ARY का ना जी. तो ये अक्सर ही एक्टिंग करती रहती है, कहती है जब मैं बुलबुले में जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. मैंने कहा चलो जब मेरी कभी किसी से ARY वालों से बात होगी तो मैं कहूंगी जब कभी आप बच्चों को चांस देंगे ना तो इसको भी देना. हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू सो फॉर कॉलिंग इन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. तो मुझे आज जो चीज अच्छी लगी है कि ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बड़े टैलेंटेड हैं, और बिल्कुल मुझे ऐसा लग भी रहा है कि जन्नत जो है अगर एक्टिंग करें तो जन्नत काफ़ी आगे भी निकल सकती हैं एक्टिंग के मामले में. आजकल काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप लोग उधर जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जाके कि आप किधर अपने बच्चों को जो है वो एक्टिंग करवाना चाहते हैं. ऐसी बहुत सारी जो है वो एजेंसीज, ऐसी बहुत सारी कमर्शियल एजेंसीज हैं, ऐसे बहुत सारी टैलेंट एजेंसी जिधर आप अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं. सो आई वुड से आपको लगता है कि आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको जाया बिल्कुल मत जाने दीजिए. मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि आज के बच्चे इतने जीनियस हैं कि वो पढ़ाई और उसके साथ साथ अपनी जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें वो बड़े अच्छे से रख लेते हैं. और हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था यार, हम सिर्फ, लेकिन हमारे वक्त में भी हम बड़े अच्छे थे यार, हम भी बड़े जीते हैं, कोई बात नहीं, हम भी खेलते थे कूदते थे, सिपारे ही पढ़ने जाते, ट्यूशन ही पढ़ने के लिए जाते थे, और हम बड़े अच्छे मार्क्स भी ले लिया करते थे. तो हाँ, ज़्यादा जो न्यू जनरेशन है ना, ज़्यादा जो है इसको ओवर होने की जरूरत नहीं है. पर एनीवेज हम जो हैं आप लोग के साथ फीडबैक भी पढ़ लेते हैं. शुमाइना लिखती हैं कि हिना आज मेरे, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी प्यारी सी टीचर मिस आयशा खालिद की बर्थडे है, वंस उनको विश कर दीजिए.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Aisha, happy birthday to you. Rida likhti hai hello, hai na? Batul likhti hai na? Please say hi to me. Hello Batul. Ali Kazmi likhte hai, watching TV but you are looking good. Thank you. Batul ka ek aur message aaya hai na, you're beautiful, you are awesome, you are my favorite DJ. उस्मान लिखते हैं हेलो हिना कैसी हैं आप, मैं कराची आ रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ. आ जाओ यार, सब आ जाओ यार, हम इधर मेला लगाएंगे पूरा. और एनीवेज आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कौन सी एक क्वालिटी होगी जो आप अपने किसी दोस्त को देना चाहेंगे, और यानी कोई ऐसी बुरी क्वालिटी जो उसमें जो अच्छी क्वालिटी हो, नहीं ऐसी कौन सी अच्छी क्वालिटी होगी जो आप देना चाहेंगे, ऐसी कौन सी बुरी क्वालिटी जो आप उसमें हटाना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि यार ये खराब आदत है और ये नहीं होनी चाहिए किसी में. तो ये चीजें हैं. अच्छा ऐसे आज बड़ी अच्छी चीज है कि ये कि कभी कभार जब अपने सेट पर आती हूँ तो आई नो आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी इरिटेटेड, बट टुडे हमारे जो सेट का जो बड़ा टेम्परेचर है वो बड़ा अच्छा चल रहा है. शायद इस वजह से हमने आज काफी अच्छे से एसी चलाया है, मे बी. और कभी कभार हमारा एसी चलना बंद हो जाता है तो ये भी चीजें हो जाती है. लेकिन आज है हमारा टेम्परेचर सेट का बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे से शो हो रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा माहौल है, ठंडा ठंडा माहौल है और हम शो कर रहे हैं, हम चाय भी पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं? वैसे जितने भी हमारे व्यूवर्स होते हैं बताते नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, यानी ये कॉलर्स तो बता देते हैं कि यार अभी हम स्कूल से आए थे, अभी हम सो रहे थे, अभी हम शेक पी रहे हैं. तो जो लोग फेसबुक पे फैन पे मैसेजेस करते हैं मुझे जरूर बताया करें कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं शो देखते देखते साथ साथ, क्या कर रहे होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी. अभी हम जा रहे हैं सॉन्ग ब्रेक की तरह, कहीं मत जाइए, देखते रहिए गर्ल्स रिपब्लिक. Welcome back. You're watching Girls Republic only on ARY Music. एक और चीज बताते चलते हैं, सहूलत बाजार. आप लोग भूल गए सहूलत बाजार को, आप लोग कैसे भूल सकते हैं सहूलत बाजार को. आज जी हाँ, आज शाम एटीएम 6 बजे महफिल जो है वो सजेगी और आप लोग जो है वो एटीएम जा सकते हैं, वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं. हमारे बहुत अच्छे होस्ट भी होंगे वहां पर, आप जाइए एंजॉय कीजिए. और इसके साथ साथ सहूलत बाजार को जो प्लेटफॉर्म है, जो भी आप शॉपिंग करेंगे आपको अप टू 100% वैल्यू बैक मिलेगा. और जितना अभी तक मैंने एट्रीम की एक्टिविटीज की हैं, निहायती बहुत ज्यादा मजा आया. और हमारे जो टीम के जो लड़के थे, जो हमारे डायरेक्टर्स थे हमारे साथ, तो वो काशिफ थे और थे एक थे शकील. तो काशिफ एंड शकील की हमारी जाहिर सी बात है, हमारी बॉन्डिंग जो हमारी डायरेक्टर से बड़ी अच्छी है. तो जो हम शूट भी कर रहे थे और वहाँ पे जो हम कॉम्पिटिशन्स करवाए थे, डांस कॉम्पिटिशन एंड ये कॉम्पिटिशन तो वो कॉम्पिटिशन, तो बड़ी हंस के बड़ी हालत खराब हो गई थी हम लोगों की. क्योंकि हर कोई यू नो हर किसी में एक चीज़ होती है कि यार टीवी पे आए और यू नो अपने यहाँ जो जलवा होते हैं हम दिखाएं. तो वहाँ पर जो है हम सब लोग ने बड़ा इंजॉय किया, और मैंने ताहिर ने काशिफ शकील हम चारों ने मिलकर बहुत इंजॉय किया वहाँ पे. अच्छा जी, जल्दी से हम एक कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? मैं अमल बात कर रही हूँ लाहौर से. अमल या अमन? AMAL. अमल यानी के मैं आपकी बात पे अमल भी करूँ. अब जी क्यों करूँ मैं आपकी बात पे अमल? मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता. अमल नाम का मतलब पता है? नहीं यार, तुम्हें कभी नाम का मतलब नहीं पता? आप पता है मेरे ना ब्रेक से पहले आप मेरी फ्रेंड ने कॉल की थी, फिजा उसका नाम है. हाँ उसके नाम का मतलब मुझे आता है और वो मेरी फ्रेंड भी है. ओए होए, यानी कि आप दोनों फ्रेंड्स हो? जी. नाइस, तो आप दोनों एक ही स्कूल में जाते हो? जी. नाइस, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं. फैमिली फ्रेंड्स हो तो आप दोनों एक ही क्लास में हो? जी. कौन सी? सिक्स. अच्छा अमल मुझे बताओ, आप हमें पहली दफा कॉल कर रही हो? जी. अच्छा अमल मुझे जल्दी से बताइए आप कि आपकी ऐसी कौन सी दोस्त होगी या फिजा में आप ऐसी कौन सी क्वालिटी जो आप फिजा की क्वालिटी खत्म कर दोगी, ठीक है, और ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो आप उसे दे दोगी? फिजा की एक क्वालिटी है लेकिन वो कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है. छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है जी, लेकिन एंड में ना वो पता नहीं क्या शो करती है, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों हो जाती हूँ हर बात को लेके. हाँ अवल, हाउ ओल्ड आर यू? 12. यू आर 12 इयर्स ओल्ड, गुड. और अमल मुझे जल्दी से ये भी बताओ कि अभी आपके एग्जाम जो हैं वो होने वाले हैं? जी, हमारे 11th में शुरू हो रहे हैं और हमारे साइंस को मुझे टेंशन हो रही है, 20 चैप्टर्स आ रहे हैं. समझ नहीं आया मुझे.
साइंस में ना हमारे 20 चैप्टर्स आ रहे हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मुश्किल है जी, बट केमिस्ट्री मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स मतलब यही पढ़ता रहता है उसके अंदर हर वक्त, है ना। ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो यार पढ़ो पढ़ो, मुझे भी अपना वर्क याद आ गया जब मैं साइंस पढ़ा कर रही थी अपनी एट क्लास में। ओहो बहुत ज्यादा साइंस थी यार जिंदगी से, साइंस ही चल रही थी। अच्छा मैंने आपसे बात कहनी थी। जी जी बोलिए। कल आपका जब 4 o'clock हुए थे तो मैं फिजा इकट्ठी थे, हमने देखा था कि ना आपका शो का लगा ही नहीं था, तो कल बेसिकली आई वॉज नॉट लाइव दैट इज वाई। जी और एक बार हुआ ये कि कॉल के हमने ना कोई मजे की बात आपको बतानी थी, आई फॉरगॉट इट नाउ। क्या 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 हमने आपको कोई मजे की बात बतानी थी, मुझे वो बिल्कुल भूल चुकी है। और एक दिन आपने कहा था वो सोशल वर्कर डोनेशन वगैरह आपका टॉपिक था कि आपको सोशल वर्क करना चाहेंगे जिंदगी में, तो क्या सोशल वर्क करेंगे? Well, अगर मैं सोशल वर्क करूंगी तो मैं वुमेन राइट्स के लिए करूंगी। नाइस वेरी गुड, ठीक है अमल, जब आपको चीज याद आ जाए ना मुझे फैन पेज पे इनबॉक्स कर देना, सही है? ओके अमल अल्लाह हाफिज़। यार कभी कभी पता है जब मेरे जब कॉलेज सस्पेंस बना के बात करते हैं ना कि मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे आपको एक बात कहनी है, तो मैं बड़ी अलर्ट हो जाती हूँ यार क्या कॉल है मेरा, क्या बोलने वाला है, तो कभी कभी डर भी लगता है। मुझे भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कभी कभार, और कभी कभार ऐसे कॉलर्स होते हैं हमारे जो डरे आते हैं फ़ोन पे, तो मुझे उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं फेसबुक पे, वीजे ना बहुत डर गए थे, मैं कंफ्यूज हो गया था, समझ लिया था फ़ोन पे क्या बात करें, तो फ़ोन पे जैसे बात करते हैं वैसी बात होती है यार, हाय हेलो क्या हो रहा है, खाना पीना सब सही जा रहा है, बिजली पानी शानी सब आ रहा है घर में या नहीं आ रहा। वैसे आई एम सो ब्लेस्ड, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जिनके घर आजकल पानी नहीं आ रहा, मेरे घर हर वक्त पानी आता रहता है, मुझे बड़ी खुशी है। ये डोमेस्टिक इशूज है हर किसी के घर के, जो जब मैं उठती हूँ सुबह तो मुझे पता लग रहा होता है कि ओह यार है ना घर में तो पानी नहीं है हमारे, लाइक यार मेरे घर तो पानी आ रहा है 24/7 हमारे घर पानी आता है। बट एनी वेज आज हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी, कोई ऐसी बैड क्वालिटी जो आप किसी में से लेना चाहेंगे, आपको ऐसी अच्छी क्वालिटी आप किसी को देना चाहेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक था। लेकिन फिर से बता दे चले 6 बजे एट्रियम मॉल में आप जा सकते हैं, सहूल बाजार की एक्टिविटी होगी, जो भी आप खरीदारी करेंगे आपको मिलेगा अप टू 100% तक का वैल्यू बैक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको वैल्यू बैक 100 रुपये 200 रुपये 300 400 500 तक का भी मिल सकता है, और कुरानदाजी के थ्रू आप जा सकते हैं जी तो पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के बिगेस्ट गेम शो में। चलिए जी अभी हम शो को वाइंड अप करेंगे, रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, कीप ऑन वॉचिंग ARY म्यूजिक, वाई वेलो यू ओनली लिव वंस, टेक केयर एंड बाय बाय।